हेलो एवरी वन आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक साइकिलिकर्डिलेटरल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे आपको कहा गया है ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक साइकिलिकर्डिलेटल है तब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंगल ए आपका टू एक्स प्लस फोर है एंगल बी आपका एक्स प्लस टेन है एंगल सी आपका फोर वाई माइनस फोर है एंगल डी आपका फाइव वाई प्लस फाइव है तो देखें आप इसको कैसे सोल्व करते हैं जो आपका एंगल ए है यहाँ पे ये आपका टू एक्स प्लस फोर है एंगल बी आपका यहाँ पे एक्स प्लस टेन है एंड एंगल सी यहाँ पे आपका फोर वाई माइनस फोर है एंड एंगल डी आपका यहाँ पे फाइव वाई प्लस फाइव है अब देखिए क्या होता है इन क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका क्या होता है जो सम होता है सम ऑफ अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल या एंगल्स इज 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स दैट इज एंगल जैसे यहां पे एंगल ए एंड एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा इसका मतलब यहाँ पे ये यह होता है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपकी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू वन एट्टी डिग्री मिलेगा एंड एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी आपका कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे क्या होता है एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन है एंड एंगल सी की आपको वैल्यू गिवन है यह आपका टू एक्स प्लस फोर है प्लस सी की वैल्यू आपकी फोर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये आपका हो जाएगा सो so, यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा फोर से आपका फोर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड इसको यहाँ पे देखिए यदि मैं टू से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये आपका हो जाएगा सेकंड सेकंड की बात हम करते हैं एंगल बी आपका यहाँ पे कितना है यहाँ पे देखिए एंगल बी आपका x प्लस टेन एंड एंगल डी आपका फाइव वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू वन डिग्री आपको गिवन है सो यहाँ पे देखिए आपका x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस टेन प्लस फाइव आपका कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा तो ये आपका फिफ्टीन डिग्री हो जाएगा इधर तो यहाँ पे माइनस करेंगे इसको देखिए माइनस करने पे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा ये सिंपल आपका वन सिक्सटी फाइव डिग्री हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपका x प्लस फाइव वाई चल रहा था तो देखें यहाँ पे क्या होगा इसको हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकंड हम यहाँ पे क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हमारा सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस फाइव वाई माइनस करेंगे यहाँ पे एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी फाइव डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री आपका हो जाएगा एंड यहाँ पे देखिए आपका x से x आपका कैंसिल हो जाएगा एंड फाइव वाई माइनस टू वाई यहाँ पर आपका कितना बचेगा थ्री वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी फाइव माइनस नाइन्टी यहाँ पर आपका क्या बचेगा ये आपका सेवेंटी फाइव बचेगा एंड यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू निकालनी हमें वाई इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव अपॉन थ्री कर देंगे तो थ्री करने पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ये आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव डिग्री तो वाई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे वाई इज इक्वल टू आया आपका यहाँ पे ट्वेंटी फाइव डिग्री इसको हम पुट कर देंगे इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू टू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस आपका ट्वेंटी फाइव इंटू टू आपका कितना होता है फिफ्टी होता है तो यहां पे फिफ्टी माइनस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी फोर्टी डिग्री आ जाएगी हैंस एक्स इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू आपका ट्वेंटी फाइव डिग्री हो जाएगा I hope you understood the explanation. Thank you.